बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम एक डिज़ीज़ पढ़ने लगे हैं वो है स्केबीज़, ठीक है। डर्मेटोलॉजी का यानी आपकी स्किन का टॉपिक है, मेडिसिन के लेक्चर्स हैं, ठीक है। और ये स्किन इन्फेस्टेशन है। इन्फेस्टेशन क्या होती है आपको पता है, पैरासाइट्स की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम इन्फेस्टेशन कहते हैं, और ये स्किन पर होती है, डर्मा से ये मुराद। तो ये किस वजह से होती है, इसकी ये होती है एक माइट की वजह से। माइट इज़ अ पैरासाइट जिसका ये आपके पास नेम है सार्कोप्टिस स्केबाई। सार्कोप्टिस के बाय की वजह से ये होती है। इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि इसकी आपको बताए हर पैरासाइट की तरह इसकी भी एक यंग फॉर्म होती है, एक एडल्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो यंग फॉर्म जो है ना एग है, और एग में 6 लेग्स होती हैं और एडल्ट में 8 लेग्स होती हैं। तो आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि यंग फॉर्म है और एडल्ट या एडल्ट फॉर्म है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी फॉर्म नज़र आ रही है। तो पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट हिस्ट्री देगा आपको कि मेरी जी जिस्म पे ख़ारिश बहुत होती है, ठीक है, पूरे जिस्म पे जनरलाइज्ड प्रूराइटिस की हिस्ट्री देगा। स्पेशली वहाँ पे ख़ारिश होगी ऑब्वियसली जहाँ पे लीजन है। अब डिपेंड करते हैं कि कितनी सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया। अब वो कहेगा कि उसकी ख़ारिश रात को ज़्यादा हो जाती है, गेट्स वर्स एट नाइट। सो दिस, अभी प्रूराइटस की कॉजेज़ पर एक अलग वीडियो है। तो प्रूराइटस की दो तरह की कॉजेज़ होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो इट इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ प्रूराइटस, ठीक है। फिर आप एग्जामिनेशन करोगे, ऑब्वियसली आप देखोगे कि भी बताएं आपको क्यों ख़ारिश हो रही है ना। तो एग्जामिनेशन करोगे तो आपको डिफरेंट लीजन्स मिल सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट, नॉर्मली तो पेप्यूल्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट तरह की लीजन्स आपको मिल सकती हैं और डिफरेंट लोकेशंस पे मिल सकती हैं। तो बिफोर डिस्कसिंग लीजन हम देख लेते हैं कि आपको मिल कहाँ कहाँ सकती है। अगर कोई इन्फेंट है तो आपको फेस और स्कैल्प पर मिल सकती हैं। अगर कोई स्मॉल चाइल्ड है, मतलब इन्फेंट जो थोड़ा बड़ा है लेकिन बच्चा ही है, तो पाम्स और सोल्स पर मिल सकती हैं, ठीक है। और एडल्ट है तो आपको फिंगर्स, फिंगर वेब्स, टोज, टो वेब्स, ठीक है, और ग्रोइन में मिल सकती हैं। और मेल्स में निपल्स और जेनिटल्स में मिल सकती हैं। होती क्या है, मोस्टली तो ये पेप्यूल्स होते हैं, ठीक है, मोस्टली पेप्यूल्स होते हैं। इनको हम कहते हैं प्रूराइटिक पेप्यूल्स होते हैं, मतलब उनमें ख़ारिश हो रही होती है। पेप्यूल का ही मतलब है कि रेज लीजन होगी, पैल्पेबल होगी, डिस्कलरेशन भी होगी, लेकिन लेस देन 1 सेंटीमीटर होगी। बड़ी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बड़ी हो तो हम प्लैक कहते हैं। और ये पेप्यूल्स जो है ना, ये नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब वेल सर्कमस्क्राइब्ड अगर हों, वेल डिमार्केटेड, तो हम नोड्यूल्स कहेंगे। और इन लीजन्स को, और ये पस्ट्यूल्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कि स्मॉल चिल्ड्रन अगर हैं तो उनमें पस फिल्ड भी हो सकती है पाम्स पे, सोल्स पे। सो इनको हम कहते हैं स्केबिटिक बरोज। तो होता क्या है कि माइट, बरो का ये मतलब है खोदना। ये जो माइट होता है ना, ये जब आपकी स्किन पे आता है तो ये खोदता है और वहाँ से आपकी स्किन के नीचे एंटर हो जाता है, ठीक है, स्किन के अंदर ही, मतलब बीनीथ द स्किन। तो उस जगह पे आप उस जगह को अगर आइडेंटिफाई कर लें तो आपको पता होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि ये स्केबीज है। सो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्केबीज यू शुड आइडेंटिफाई स्केबीटिक बरोज। अच्छा, फिर आप उससे मज़ीद हिस्ट्री लेंगे कि जी आपको ये हुई कब है, आपका, आपने किसी से फिजिकल कॉन्टैक्ट तो नहीं किया, किसी से सेक्शुअल कॉन्टैक्ट तो नहीं किया, आपने किसी के क्लोथ्स, बेड वगैरह को टच तो नहीं किया, या जिससे भी आपको कॉन्टैक्ट हुआ क्या उसको भी ऐसी ख़ारिश या कोई बीमारी थी। तो वो जो दूसरा कॉन्टैक्ट है, हो सकता है उसने किसी और कॉन्टैक्ट से, किसी और पेशेंट ऑफ स्केबीज से इस माइट को अक्वायर किया हो, या हो सकता है कि वो ये बंदा खुद इतना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, इसको HIV एड्स हो, कोई को मॉर्बिड्स चल रहे हो, हाइजीन अच्छी ना हो, न्यूट्रिशन अच्छा ना हो, जिसकी वजह से इसको कहीं से भी माइट जो है इसने अक्वायर कर लिया और अब इसको स्केबीज हो गया, ठीक है। सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि अगर पेशेंट लेट थोड़ा प्रेजेंट करता है तो वो नोड्यूल्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, हो सकता है सब कोलेस करके बड़ी लीजन्स बन जाए, ठीक है, वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, वो एक्सकोरिएशन, अब ज़्यादा ख़ारिश होगी वो खुजाएगा, खुजाएगा तो एपिडर्मिस पील ऑफ होगी जो कि मज़ीद एग्रीवेट करेगी सिचुएशन को एक्सकोरिएशन के साथ। एक्जिमा भी ऐसी होता है, ड्राई, फ्लेकी, इरिटेबल, इन्फ्लेम्ड स्किन होती है। एक्जिमा के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, असल में इसको एटोपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इसे प्राइमरी कॉजेज हैं, सेकेंडरी कॉजेज हैं। तो इसका प्राइमरी कॉज है यही है कि आपकी जेनेटिक्स में या इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हो गया, लेकिन सेकेंडरी जो एक्जिमेटाइजेशन होती है, इसको हम सेकेंडरी कॉजेज को कहते हैं, सेकेंडरी एक्जिमेटाइजेशन, उसके डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, कोई एनवायरमेंटल ट्रिगर, कोई स्ट्रेस, लेकिन उनमें से एक कॉज ये स्केबीज भी है, ठीक है। सो दीज कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस। और इवन एक्थाइमा भी हो सकता है। एक्थाइमा बेसिकली होता है कि कोई अल्सर बना है और उसके ऊपर अब क्रस्टिंग हो गई है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस, और स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से वही बात होगी जैसे हमने सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कहा, तो वो है ये एक्चुअली, ठीक है। और स्केबीज की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होता है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, ये किसी भी स्किन डिजीज का हो सकता है, लेकिन स्केबीज भी एक कॉज है इसका। तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि डायग्नोसिस आप कैसे करते हैं, आप पहले उसको एग्जामिन करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे भी आपको स्केबीटिक बरो मिल गया है, आपने क्या करना है उसको, आपने उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ से इंसाइज करके एक सैंपल ले लेना है, स्क्रेप करके,
और उसको माइक्रोस्कोप में देखना है, तो इसको हम डर्मेटोस्कोपी कहते हैं कि हमने स्किन को माइक्रोस्कोप में देखा है, आपको उसके एग्स या फिर वो एडल्ट फॉर्म नज़र आ जाएगी। फिर आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है। अब ट्रीटमेंट में हमें याद रखना है सबसे पहले तो ये कि आपने पेशेंट को भी ट्रीट करना है, उसके कॉन्टैक्ट्स को भी ट्रीट करना है, चाहे कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो, ठीक है, उनमें कोई सिम्टम ना हो, लेकिन फिर भी आपने उनको ट्रीट करना है क्योंकि वो किसी और को कॉज कर सकते हैं या फिर उनको खुद भी हो सकता है थोड़े दिनों बाद, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो जो चीज़ें जिनसे कॉन्टैक्ट हुआ है उन सबको आपने हॉट वाटर से वॉश करना है, ठीक है। अपनी हाइजीन वगैरह के जितने मेजर्स हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो उसके कुछ जनरल कॉजेज होते हैं, वो आपने हर स्किन डिजीज़ में आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट जो है वो टॉपिकल भी होता है, सिस्टेमिक भी होता है, यूजुअली ज़्यादातर टॉपिकल ही होता है, सिस्टेमिक बहुत रेयर होता है कि हम करें। तो टॉपिकली हमने कहा कि हम दे सकते हैं टॉपिकल एक्वस सॉल्यूशन होती है परमेथ्रिन की और मेलाथायोन की, ये आपने देनी होती हैं दो डोजेस, मतलब ऐसे कि दो दफ़ा आपने पूरी बॉडी पे इसको अप्लाई करना होता है बहुत अच्छी तरह हर जगह, इवन ये जो नेल से दरमियान वाली जगह होती है यहाँ भी अप्लाई करना होता है कि कहीं भी माइट बचे नहीं, परमेथ्रिन और मेलाथायोन, ठीक है। और कम अज़ कम 10 घंटे तक ये बॉडी पर लगा रहे, ठीक है, और 10 घंटे बाद इसको वॉश कर सकते हैं, और ठीक है, और फिर 1 वीक बाद आपने दूसरी दफ़ा इसको अप्लाई करना होता है पूरी बॉडी पे। उसके अलावा बेंजाइल बेंजोइड दे सकते हैं, लिंडेन दे सकते हैं। सिस्टेमिकली हम ना रेयरली ट्रीट करते हैं, वो तब करते हैं जब बहुत हैवी इन्फेस्टेशन हुई हो कि टॉपिकल से कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, या फिर पेशेंट टॉपिकली अप्लाई ना कर रहा हो, ठीक है, एडहेरेंस उसकी सही से ना हो, या फिर ये कि उसको नॉर्वेजियन स्केबीज हो। नॉर्वेजियन स्केबीज क्या होती है, ये बेसिकली वो स्केबीज होती है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स में होती है और इसमें क्रस्टिंग होती है, ठीक है। तो ऐसी जो स्केबीज होती है उसको फिर आप टॉपिकली ट्रीट नहीं कर सकते, आपने उसको सिस्टेमिकली आइवरमेक्टिन देकर ट्रीट करना है।